चलो ऐसा तो इनको मैं नहीं ऐसा मिलना मुझे ऐसा लगा पड़ा। था, मुझे ऐसा लगा था, देखो कुछ सवाल तो किए थे ना, बिलाल ने शेष किए थे और ये क्या नाम है, तो मुझे लगा था ये चीजें बच्चों को ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग गया था कि आती तो मैं थोड़ा फास्ट है। ठीक है एनीवे, देखो एपीआई क्लियर है, एपीआई क्या होती है, ज्यादा क्लियर है एपीआई क्या होती है, मतलब वो हमें एपीआई का काम, अच्छा ये बताओ कि सबसे सवाल है एपीआई का काम हमारा क्या है, ये क्लियर है बेटा आपको, हम किस तरह से काम निकालेंगे, ये चीज क्लियर है। वो चीजें क्लियर है, ठीक है अब जरा देखते हैं ये मामला हो क्या रहा है। अच्छा देखो पहले तो मैंने यहाँ कुछ चीजें डायरेक्ट कर दी, असल में वही मुझे लगा कि आपको चीजें आती हैं तो मैंने यहाँ गलती कर दी, कोई बात नहीं। देखो बेटा ये जो है ना एक वेबसाइट है, ठीक है इसका नाम है टिके रेक्रेस डॉट टिके इन, इन का मतलब है इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है ना पहली बात। अच्छा यहाँ पर जो है ना कुछ इन्होंने फेक, ठीक है एपीआई दी हुई है। देखो बेटा यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ना कि ये बेसिकली चेक करने के लिए, जो लोग डेवलपमेंट करते हैं ना बेटा, तो उनको यहाँ पर कुछ चेक करना होता है कि मैंने कोड किया है वो कोड काम कर भी रहा नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मेरा ऑफिस से कंप्यूटर नहीं, आपको मैं पूरा कोड ही दिखा देता है किस तरीके से वेब काम करती है। अच्छा जी चलो देखो मेरे पास यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है, आप लोग फॉर्म यूज करते हो कभी भी, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, या आपने कभी नेट वगैरह पे फॉर्म बना होगा, इस पर आप नाम लिखते होगे अपना, ठीक है या आईडी, लेट्स सपोज एक फॉर्म भरने बेटा आपने एक ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है आप लोग यहाँ पर अपना आपकी आईडी है आपका, ठीक है नाम है, ये आईडी छोड़ दो बल्कि, ये आपका बेसिकली नेम है, ये आपका एज है, आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है ये आपके पास के अंदर आपका नाम है, आपकी एज है और आपकी ठीक है क्वालिफिकेशन है, और आप फॉर्म है, ठीक है इसको हमें कहीं सेव करना, डेटाबेस में सेव करना है, सबकी डेटाबेस में, ठीक है बेटा। अच्छा होगा क्या, अब यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो है ना आपके फॉर्म पे क्या है, बेसिक बटन डिलीट का, डिलीट का, ठीक है ना, और एक होता है अपडेट का बटन होता है, ठीक है एडिट का होता है, एक डिलीट का बटन होता है और एक किसका होता है एडिट का होता है, ठीक है ये ऐड है ये डिलीट है, और ये नाम दिया, ठीक है मैंने ए नाम दिया, ठीक है एज दी टू, ठीक है क्वालिफिकेशन मैंने दी बी, यहाँ पर आपका क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे लेट्स एपीआई है मेरे पास, उसका काम बेटा क्या है, उसका काम ये कि उस एपीआई को डेटा, उसको डेटा उठा के, ये जो डेटा है ना बेटा ये उठा के डेटा कहाँ सेव करना है, यहाँ सेव करना है। अच्छा ठीक है लेट्स सपोज डेटाबेस बेटा मेरा, ये डेटाबेस जो है ना किसी और दुनिया में रखा हुआ, मुल्क में रखा हुआ है, कोई और मतलब जो है ना कंट्री में रखा हुआ है, ठीक है ना डेटाबेस यहाँ लोकल नहीं है, ये फॉर्म ठीक है मैं कंप्यूटर में खुल रहा है, मैंने यहाँ पे फॉर्म पे ठीक है बेटा फील्ड दी, डेटा दिया, अब इसको सेव करना है, सेव पे क्लिक करूंगा तो बेटा मुझे बताओ कि यहाँ पर एचटीटीपी का कौन सा वर्क काम करेगा जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा, तो पोस्ट ऐसा ही है, ठीक है बेटा पोस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने क्रिएट, देखो क्या रहा है बेसिकली बेटा हम कर क्या रहे हैं, लेट्स सपोज अच्छा ये आपका जो है ना ये किसी को पता है इसके बारे में, जो गूगल का वो क्या नाम है फायरबेस है, किसने यूज किया कभी, ठीक है तो फायरबेस का डेटाबेस मेरे पास मौजूद है, ठीक है गूगल का है, ठीक है बेटा ऐसा मैंने क्या किया यहाँ पर जो है ना मुझे करना बेसिकली ये डेटा है, उस डेटा को यहाँ सेव करना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है बेटा। अच्छा ये बस समझो डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस है, इसका नाम फायरबेस है, ठीक है बेटा मैंने यहाँ पर इसको डेटा को दिया, डेटा को सेव करवाना है यहाँ पर। अच्छा बेटा अब ये बेसिकली डेटा सेव होगा यूजिंग एपीआई, अब इस डेटा को मुझे पोस्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, यहाँ करना पड़ेगा पोस्ट का मतलब, ठीक है बेटा अब मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा, क्या पाथ पे जाओ स्लैश यूजर्स बेटा, इसके क्या नाम है ये इसका यूआरएल है, ठीक है ये मेरी पोस्ट की कमांड है बेटा, ये मेरी पोस्ट कमांड है, ठीक है
ठीक है बेटा, पोस्ट कमांड है और उसको बेटा यहाँ पे से कट कर दो, ऐड कर देगा वो। फायरबेस बेटा होस्टिंग के लिए नहीं है, फायरबेस डेटाबेस होता है, ठीक है ना, होस्टिंग ठीक है के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली डेटाबेस होस्टिंग पे होता है। अच्छा क्या नाम है यहाँ पर, ठीक है बेटा क्लियर है ये पोस्ट। अच्छा अब मुझे अगर यहाँ से कोई इसको एक सेव सा करेगा, इसको बेटा एक आईडी देगा, उस आईडी का नाम वन होगा, ये इसका नाम बेटा, ये सी एज है, ये बी ए है और ये डी ए, ठीक है ना बेटा। अब अपने पोस्ट कर दिया, सेव किया ना, मुझे ही डिलीट भी करना है। अब दोबारा आप मुझे रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से आके जो है ना एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, क्या भेजनी पड़ेगी रिक्वेस्ट, एग्जाम पे जाओ कर दो, जैसे बेटा ये मैं डिलीट, ठीक है बेटा बताऊंगा, ये होगा क्या होगा बेटा, ये यहाँ जाके क्या करेगा आपकी एपीआई वहां से इस डेटाबेस से इसको निकलवा देगी, इस आईडी को निकलवा देगी, समझ रहे हो बात मेरी, बात क्लियर है, ठीक है बेटा। अच्छा लेट्स सपोज के यहाँ पर ना मैंने 5-6 टिक डेटाबेस किया, क्या पता एक बंदा है, ठीक है उसकी उसका बेटा डेटा ये हो कि उसका नाम बी है, उसकी एज क्या नाम है 10 है और इसका वो बंदा ये डेटा मेरा, ठीक है बेटा, उसकी आईडी जब आगे ना बेटा आईडी 3 थी, 3 आईडी बनी उसकी, उसका नाम आया, ठीक है बेटा, उसकी क्या नाम है, उसकी एज 10 आ गई और उसकी क्वालिफिकेशन आ गई एम ए, ठीक है बेटा उसकी टिकट एरिया आ गया, ठीक है मैंने यहाँ पे पहले से पोस्ट कर दिया, पोस्ट का मतलब सेव कर दिया डेटाबेस के अंदर। अब आपने क्या पता उसमें गलती कर दी, उसका नाम बी नहीं, उसका नाम डी था, अब क्या करना पड़ेगा, आपने मुझे आपने सेव कर दिया नाम बी बेटा, अब बोलूंगा भाई कि यहाँ जाओ अब ब्रेक, उसकी बेटा क्या होगी वहां पे एग्जाम पे जाओ, एग्जाम यूजर्स पे जाओ, ठीक है यूजर पे बेटा कौन सा 3 यूजर पे जाओ, ठीक है बेटा, और वहां जाके ये डेटा है मेरा, डेटा बेटा डेटा दूंगा, ये डेटा है बेटा, ये डेटा लेके जाओ और जाके वहां पे कर दो उसको, वहां जाके इसको पेस्ट कर दो, ये पुट कर दो, ठीक है पुट रिप्लेस कर, क्या नाम है कर देता है वो पैच, ठीक है रिप्लेस नहीं करता उसको, क्या है मॉडिफाई कर देता है, इसमें दोनों में फर्क है वो भी आपको दिखाता हूँ, लिखा हुआ यहाँ पर पैच पुट में फर्क क्या होता है, कौन क्या है, ठीक है बेटा क्या करता है ये बेसिकली ये पैच जो है ना ये अपना क्या नाम है इसको क्रिएट भी कर रहा है अपडेट कर रहा है, ठीक है उसको, और बेटा पुट क्या करता है उस पूरे को रिप्लेस कर देता है, उसको नई आईडी दे देगा, ठीक है ना, और हालांकि हमारा पैच करता है बेटा उसी आईडी पे रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है ना, देखो टेंशन की बात नहीं है कि मैं इसको दोबारा रिपीट करता रहूंगा, जब आप इंशाल्लाह जब आप वो करोगे ना, जब मैं नेटवर्किंग की कुछ चीजें बनाऊंगा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये गेट का मतलब डेटा ठीक है लेकर आना, ठीक है ना, अच्छा उसके बाद हमने देखा भाई पुट समझाने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग की क्लासेस के अंदर कोई 2 महीने लगते हैं किसी को ये एपीआई समझाने के लिए, हमने आपको आधे घंटे में समझाने की ट्राई की, ठीक है तो बेटा वो थोड़ा फास्ट में भी रह गया, कोई इतनी मसले की बात, कम से कम शुरू करेंगे ना बस थोड़ा बहुत कैसे बनाओ उसको, ठीक आगे भी चीजें ठीक रिपीट होंगी तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, असल में जो मेरा एजेंडा है ना यहाँ पर, मेरा एजेंडा है कि एपीआई होता है ना ये हमारा जो असल जो हमारा जो इस चैप्टर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वो है नेट कॉन्फ पढ़ना है हम लोगों ने, अब नेट कॉन्फ पर आने के लिए मैंने ये तमीज मानी है बेसिकली पूरी, या तो डायरेक्ट नेट कॉन्फ शुरू कर दे रहा है, नेट कॉन्फ ही होती है भाई,
उसको नेटकॉन्फ को जस्टिफाई करने के लिए मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि मैं एपीआई को भी आपको क्लियर करना चाहूँ कि एपीआई क्या होती है, एचटीटीपी क्या होती है, ठीक है, पुट गेट क्या होते हैं। हालांकि इनके ऊपर पूरी पूरी किताब लिखी गई है, मैं इसको आधे घंटे में कवर नहीं कर सकता, और मेरी तो वेब बेसिकली फील्ड है इस पर, तो ठीक है मैं डेली काम करता हूँ तो। लेकिन बेटा ठीक है, ये समझ लो कि आधे घंटे में इससे ज्यादा कोई चीज़ पॉसिबल समझाना नहीं थी, ठीक है ना। अभी हम जरा आगे प्रैक्टिकल चीज़ आएंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको खुद गारंटी दे रहा हूँ, आपको खुद पूरी एपीआई क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा अब आगे बढ़ जाए, नेट कॉन्फ टिकट हमारा जो बेसिकली इस टाइम में उसका नाम था HTTP REST, अच्छा एक ठीक है बेटा, हम जो बात करेंगे ना वो हम करेंगे क्या नाम है, नेट कॉन्फ, ठीक है बेसिकली नेट कॉन्फ। असी भाई आपका कैमरा खुल गया, मैं नेट कॉन्फ़िगरेशन है, नेटवर्क और अभी तो हालांकि मैंने कुछ चीज़ें फुलनेस क्या होती है मैं इसको आगे दोबारा बता दूंगा, मैंने आपको इजी रखो, हम बस बात करते हैं कि नेट कॉन्फ़िगरेशन है क्या। जब बेटा वो चीज़ें जब हम उसको होता है फिर तो बात करेंगे रेस्ट फुलनेस क्या होती है, रेस्ट की मीनिंग क्या होती है, मैंने बात नहीं की, ठीक है, मैंने वेब सर्विस की बात नहीं की था कि चीज़ तक प्रैक्टिकल ना हो तो फायदा नहीं है ना। हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ चीज देखते हैं, बट उसके बाद जो है ना फिर हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग उसकी, कि भाई ये ठीक है ज्यादा बेहतर होता है कि आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो, ना कि आप 6 घंटे थ्योरी पढ़ लो फिर आप वो तो बंदा थ्योरी में घुस जाएगा, तो डायरेक्ट बेटा होता है तो वो क्या होता है कुछ चीजों में क्लियर हो जाएंगे, ना कि मैं आपको 3 घंटे फ्री पढ़ाता हूँ। मैंने क्लास का था कम आज कराऊंगा, लेकिन बेटा एक चीज हम आज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत मिल जाए कि फ्लेवर कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं। एक छोटा आप उस पर हम क्या करेंगे बेटा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा हमें करना बेटा क्या है, हमारे पास बेसिकली हमें सबसे पहले आप लोग बेटा जाए सिस्को, ठीक है डेवनेट, ठीक है बेटा यहाँ पर जो है ना ये एक ठीक है इनका प्लेटफॉर्म है सिस्को वालों का, ठीक है डेवलपर नेटवर्क पूरा बेसिकली यहाँ पर काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है चीजें मौजूद हैं, कुछ चीज बेसिकली हाथ साफ करते हैं ना इन लोगों ने, कुछ होता ना कि रेडीमेड आपको उन्होंने अब बेसिकली मुझे एपीआई ठीक है बेटा, अब मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है, अभी मैं कहाँ से किस पे काम करूँ, तो इन्होंने बेटा कुछ ना होस्टिंग ऑलरेडी ठीक है उसको बोलते हैं वीपीएन लेस, मतलब इन्होंने अपने पास जो है ना ठीक है यूजिंग क्या नाम है होस्टिंग एड्रेस देखे पर एक राउटर को आप रिमोटली ठीक है चला सकते हो अपने पास लोकल, ठीक है सिस्को ने उस पर बेटा अपने हैंड्स ऑन लैब पे काम बिल्ट इन इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, उस पर हम काम करते हैं कि भाई इन्होंने तो पूरा ऑनलाइन टिकट दिया हुआ है, उसको हम काम करने के बाद फिर हम अपनी लैब बनाएंगे खुद एक, ठीक है हमने पहले बताया था लैब हम किसे बनाएंगे, हम AVNG इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर हम सिस्को का राउटर की इमेज इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर हम बेटा खुद लेके लैब बनाएंगे लोकली, उस पर हम की काम कर रहे होंगे फिलहाल बेटा हम इसके। पे जाएंगे यहाँ पर आकर आप सैंडबॉक्स कैटलॉग पे जाएंगे, मैं आपको लॉगिन विद को ये वही API ठीक है बेटा मैंने यहाँ पे कर ली,
यहाँ जाके आप सर्च कीजिएगा जाके। अच्छा ये, और यहाँ पर जो है ना काफी चीजें मिल जाएंगी काम कर सकते हैं, मतलब काफी चीजें दी हैं ऑनलाइन यहाँ पर। नेट थोड़ा ठीक है बेटा, यहाँ पे जो है ना ये एक राउटर, ठीक है बेटा ये समझ दो एक आईओएस जो है होस्ट हुआ हुआ है, ठीक है एक क्या नाम है इसको आप, ठीक है बेटा लोकली जो है ना इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा ये जो है ना इसका क्या नाम है, ये CSR 3000V, ठीक है बेटा ये होस्ट हुआ हुआ है राउटर यहाँ पर, ये बेसिकली इसकी होस्टिंग एड्रेस है बेटा, इन्होंने इस राउटर पे होस्ट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इस राउटर के ऊपर बेटा आप नेट कॉन्फ़िगरेशन वाली प्रोटोकॉल काम कर सकती है। अच्छा नेट कॉन्फ़िग बेटा हर राउटर पे काम ही करती है, उसके लिए राउटर की लिस्ट आपको नेट से मिल जाएगी, आप मैं दे दूंगा। कुछ मखसूस राउटर होते हैं बेटा उस पर काम करती है, जो प्रोटोकॉल हमें इस पर हम बेटा हमें इस्तेमाल करनी है ना, हमें जो ये IPI इस्तेमाल करनी है नेट कॉन्फ़िगरेशन की, वो सब पर काम नहीं करती, वो कुछ पर्टिकुलर राउटर से काम करती है। अच्छा अब मेरे पास कोई राउटर है नहीं हार्डवेयर कि मैं इसको लगा के क्या नाम है आपको दिखाऊं भी नेट कब काम कर रही है, या मैं खरीद के लेकर आऊँ नहीं बेटा ये काम कर रही है। तो इन्होंने बेटा लैब दी है ना लर्निंग पर्पज के लिए, कि भाई जिन लोगों ने लैब करनी है तो वो उनके पास हमने यहाँ पे होस्ट कर दिया है इसको, उसका IOS आप यहाँ जाके इसको ठीक है चेक कर सकते हो, मतलब आप इस पे जाके अपनी नेट कॉन्फिग वाली कमांड इशू करो चल जाएंगे। ठीक है ना बेटा, अब सिंपल बेटा क्या मैं चाह रहा हूँ कि इसको लोकली जो है ना इस वाले को मुझे इस राउटर को ठीक है एक्सेस करना है अपने पास लोकली। ठीक है बेटा तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा देख चेक करते हैं जरा। यहाँ पे तीन प्रोटोकॉल दी हुई है इस्तेमाल करने की, एक SSH दी हुई है, एक नेट कॉन्फ़िग दी हुई है और रेस्ट कॉन्फ़िग दी हुई है। और ठीक है बेटा यूजर नेम और ये पासवर्ड इसका, ठीक है ना ये पब्लिक है, इसको कोई भी चाहे इस्तेमाल कर सकता है, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, अब मैं इस राउटर को अपने पास, ठीक है बेटा इस डिवाइस को अपने पास लोकली जो है ठीक है मतलब रिमोट डिवाइस है बेसिकली, उसको लोकली एक्सेस कर रहा हूँ अपने पास। ठीक है अच्छा बेटा मेरे पास ये उबंटू ठीक है इंस्टॉल हुई हुई है, ये है विंडोज लेकिन उबंटू इंस्टॉल मैंने इसमें की हुई है, तो बेटा मैं यहाँ से इसको जो है ना दिखाऊंगा किस तरीके से इसको हम ठीक है यहाँ पर एक्सेस करते हैं। ठीक है अच्छा अब बेटा अगर आपने उस राउटर को एक्सेस करना है डायरेक्ट तो आप यूजिंग बेटा क्या करेंगे टेलनेटिंग ठीक है नहीं कर सकते, आपने ठीक एक्सेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, उसके लिए पोर्ट नंबर दिया हुआ है, इस पोर्ट पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आप सिंपल बेटा कमांड शुरू करना SSH-P पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर क्या दिया बेटा यहाँ पर 8181 दिया हुआ है।
ठीक है। अच्छा यूजर नेम बेटा क्या, यूजर नेम डेवलपर है, आपने डेवलपर लिखा ठीक है एट द रेट ठीक है बेटा। उसके बाद हॉस्ट नेम क्या पूरा उसका, आईओएस, ये हॉस्ट नेम दिया हुआ पूरे ठीक है, आईओएस ठीक है स्लैश एक्सी स्लैश एमजीएमटी ठीक है डॉट सिस्को ठीक है डॉट कॉम ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पर बेटा ऐसे ऐसे मैंने इशू करनी है इसके ऊपर, मैंने पोर्ट नंबर दिया, पोर्ट नंबर लाजमी होगी ठीक है बेटा, इस पोर्ट पर ही काम करेगी। आप यूजर नेम दिया बेटा, आपने इसको पूरा हॉस्ट नेम दिया ठीक है, हॉस्ट नेम दिया हुआ है, आपने एंटर कर दिया इसको ठीक है बेटा। अगर आपसे पासवर्ड मांगता है तो इट मीन्स आपके पास कनेक्शन बन गया, पासवर्ड आपसे रिक्वायर कर दिया ठीक है। पासवर्ड बेटा क्या इसका, ये दिया हुआ है ठीक है, सिस्को सी कैपिटल 1 सिस्को 1 2 3 4 5 एंटर कर दिया तो बेटा क्या होगा ठीक है बेटा। और यहाँ पर देखो आपके पास राउटर खुल गया ठीक है, और आप बता रहा है कि इस राउटर के ऊपर नेस्ट कॉन्फ और ठीक है रेस्ट कॉन्फ ठीक है एनेबल हुई है ऑलरेडी ठीक है बेटा। ये सैंडबॉक्स ठीक है बेटा डेवनेट का, इस राउटर के ऊपर ये दोनों प्रोटोकॉल, ये दोनों एपीआई इनेबल हुई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अपनी यानी लैब्स पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब मुझे इसके लिए फिजिकल हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे ये 1000V का ठीक है बेटा ये राउटर लेके नहीं आना। अब मैं उसी का iOS यहाँ पर लोकली ठीक एक्सेस कर सकता हूँ बेटा, उस पर मैं काम कर सकता हूँ। 5 मिनट वेट करते हैं अजान का, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। इधर नोट कर लें बेटा आप लोग जो काम हमने किया है ना, इसका लिंक भेज दूंगा आपको मैं।